15 मार्च से कर्म फल दाता शनि का नक्षत्र गोचर। मंगल के नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र में जाएंगे शनि। धनिष्ठा नक्षत्र से शतभिषा नक्षत्र में शनि रखेंगे कदम। शनि के नक्षत्र गोचर से जुड़े 7 महीने 12 राशियों के लिए कैसे रहेंगे? नक्षत्र परिवर्तन में किनके कष्टों को काटेंगे शनि? नक्षत्र परिवर्तन में शनि किनको करेंगे माला माल? नक्षत्र परिवर्तन में शनि किनकी बढ़ाएंगे मान प्रतिष्ठा? नक्षत्र परिवर्तन में शनि किनका करेंगे बेड़ा पार? 12 राशियों पर जुड़ा शनि का नक्षत्र परिवर्तन देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, महादेव की नगरी हरिद्वार से मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ हमेशा की तरह आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है सर। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। शनि के राशि परिवर्तन के बाद अब शनि का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। होली के बाद 15 मार्च से शनि मंगल के नक्षत्र से निकलकर अब राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र से निकलकर शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे और 15 अक्टूबर तक धनिष्ठा नक्षत्र में ही रहेंगे। और जो कि ग्रह का तो प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रभाव व्यक्ति के जीवन में नक्षत्र परिवर्तन का भी पड़ता है। और ऐसे में शनि का नक्षत्र परिवर्तन सिंह राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है ये तो जानेंगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले 22 मार्च से नव संवत्सर की शुरुआत हो रही है और 22 मार्च से चैत्र नवरात्र भी शुरू हो जाएंगे। शक्ति का ये महापर्व, 9 दिनों का ये पर्व शक्ति के नाम पर आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए, तरक्की लेकर आए, खुशहाली लेकर आए, जो चाहे माँ का आशीर्वाद आपको मिल पाए, इसके लिए शक्ति से जुड़ा अनुष्ठान कराना घर में कितना ज़रूरी होता है उसे थोड़ा सा जान लेते हैं। आइए बात कर लेते हैं आचार्य जी से, बताइए। बिल्कुल कविता जी, देखिए नव संवत्सर का आरंभ हो रहा है 22 तारीख से और 22 तारीख से ही प्रतिपदा नवरात्र शुरू हो जाएगी, चैत्र नवरात्र का आरंभ हो जाएगा। और क्योंकि हम एक व्यस्त शेड्यूल में, हम सबका शहरी जीवन जो है वह बहुत व्यस्तता के साथ रहता है, तो हर किसी के लिए संभव नहीं है घर पर आयोजन कर पाना, क्योंकि एक बंधन हो जाता है। तो उसी उपलक्ष्य में लेकर हम आए हैं कि आप सब अपने घर, अपने कार्यालय, अपने स्थान पर बैठ करके मानसिक रूप से संकल्प लेकर के इस अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप किसी भी तरीके की शत्रु बाधा से या फिर वैवाहिक जीवन में विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, या कोई समस्या है, या किसी भी तरीके की समस्या है आर्थिक रूप से, तो उन सभी के उद्देश्य से आप संकल्प ले सकते हैं, इस अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं। महाशक्ति अनुष्ठान में विशेष मंत्रों के साथ कील करके सप्तशती का पाठ होगा और आहुतियाँ भी दी जाएंगी। तो इस 9 दिनों तक चलने वाले महाशक्ति अनुष्ठान का हिस्सा आप भी बन सकते हैं और अपने जीवन से दुख और बाधा को दूर कर सकते हैं, उससे मुक्ति पा सकते हैं। बिल्कुल, तो अगर आप इस अनुष्ठान में शामिल होना चाहते हैं, इससे जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए इस नंबर के जरिए आप इस अनुष्ठान के बारे में जान सकते हैं। जानकारी के लिए ये नंबर आप लोगों के लिए ही है। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं शनि के नक्षत्र परिवर्तन सिंह राशि के लिए कैसे रहेगा। सबसे पहले ये जानेंगे कि अब मंगल के नक्षत्र से राहु के नक्षत्र में शनि का जाना कितना सकारात्मक है, बताइए। देखिए, मंगल के नक्षत्र से निकल करके शनिदेव राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं और सिंह राशि जो है वह पूर्णतया सूर्य के प्रभाव में रहने वाली राशि है और शनि और सूर्य का कभी भी मित्रवत संबंध नहीं है। और उस पर भी सोने पे सुहागा हो जा रहा है कि यह जो गोचर है, यह जो नक्षत्र गोचर है, यह कविता जी राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं। सूर्य और राहु का भी एक ग्रहण योग निर्माण करता है, तो नक्षत्र का यहाँ पर, नक्षत्रों का ग्रहण योग यहाँ पर निर्माण हो रहा है। ग्रहण योग के साथ साथ शत्रुगत योग भी बन रहा है, तो सिंह राशि के जातकों के लिए कुछ विषयों पर नकारात्मक प्रभाव बहुत प्रबलता पूर्वक दे रहे हैं, शायद उतनी शुभता ना दें, लेकिन नकारात्मकता इसकी प्रबलता पूर्वक इनको मिलेगी इस गोचर कालखंड में। बिल्कुल, यानी कि कहाँ कहाँ और किस जगह पे अशुभता का सामना इन लोगों को करना पड़ सकता है अपने जीवन में, अब इसको लेकर आगे जानेंगे। सबसे पहले सेहत इनकी कैसे रहेगी इस दौरान, ये मैं जानना चाहूंगी। देखिए, सेहत के लिहाज से कविता जी, क्योंकि शनि और सूर्य का एक कट्टर संबंध है, शत्रुगत संबंध है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि विशेष करके मंगल के नक्षत्र से जा रहे हैं और मंगल और सूर्य का बड़ा ही मित्रवत संबंध है, दोनों राजा और सेनापति के भूमिका में रहते हैं। तो इस रूप में अगर देखें तो यहाँ से गोचर करके शनिदेव जब राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ ना कुछ समस्याएं आएंगी, चाहे वह न्यूरो संबंधी दिक्कत हो,
चाहे वह हड्डियों से संबंधित दिक्कत हो, बोन से संबंधित दिक्कत, या फिर विशेष रूप से हृदय संबंधी दिक्कत भी इस समय इस दौरान बढ़ेगी। हृदय आघात संबंधी चीजों से डर और भय बना हुआ रहेगा। कविता जी, कठिनाइयों का दौर क्या इन्हें रिश्तों में भी देखने को मिलेगा? देखिए, रिश्तों में विशेष करके अगर पति पत्नी या प्रेम संबंध, इन दोनों में खूब प्रगाढ़ता आएगी, या कह लीजिए कि यह जो यहाँ पर संबंध भाव में अंतर विरोधी रिजल्ट मिलेगा। अंतर विरोधी कैसा कि माता पिता भाई बहनों के संबंध में दूरियां कर देंगे या तनाव दे देंगे, लड़ाई झगड़े नोकझोंक, स्वभाव में अहम आना, लोभ आना, लालच आना, संपत्ति का लालच आना इत्यादि का स्वभाव देकर दूरियां बना देंगे। इसी के साथ इन दूरियों का कारक तत्व बनाने के लिए हो सकता है कि आपके प्रेमी, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके प्रेमी जीवन को यह जरिया बनाएं, तो वहां पर नजदीकियां कुछ समय के लिए इस गोचर काल में बढ़ जाएंगी और साथ ही साथ अपनों के साथ यह दूरियां बना देंगे। तो कह लीजिए कि दिखावे का जो प्रेम है, मैं दिखावे का इसलिए कह रहा हूं कि जिस जगह से आप, जहां से आप जड़ से निकले हैं, वहां से आपको जड़ से दूर करते हुए आपको एक दिखावे की दुनिया में ले जा करके कुछ शॉर्ट समय के लिए रख देंगे शनिदेव, जिससे कि अपनों से दूरी बन जाएगी और दिखावे छलावे के प्रेम में आप डूब जाएंगे। चलिए, ये तो आपने बात की इनके रिश्तों को लेकर और बताया कि किस तरह का तनाव इन्हें रिश्तों में देखने को मिल सकता है। अगर बात इनके कर्म भाव को लेकर करें तो कार्य क्षेत्र के मामले में अब आगे का समय इनका कितना चैलेंजिंग रहने वाला है? देखिए, कार्य क्षेत्र के लिहाज से कविता जी दो रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं गणना के अनुसार। उसका एक कारण है कि शनि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और कुंभ राशि में बैठ करके जो तीसरी दृष्टि है इनकी, पाप दृष्टि है, वह मेष के घर में है, और जो विशेष करके इनकी जो पंचम और नवम दृष्टि है वह भी देखने को मिलेगा। तो उसका प्रभाव जो है इनके कार्य क्षेत्र में लाभ की स्थिति में तो ला रहे हैं इनको, लेकिन इसके साथ ही उनके सम्मान में कमी कर दे रहे हैं। जैसे कि पद तो बढ़ जाएगा, आपको लाभ बढ़ जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन आपके प्रभाव में कमी कर देंगे। एक उच्च पद पर रहते हुए भी आपको अपमानित होना पड़ेगा, आपको उचित सम्मान नहीं मिलेगा और आप अपने आप को स्वयं हीन दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे। इस तरीके का प्रभाव दे देंगे कविता, यानी कि प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा, पहुंच सकते हैं इस दौरान। बिल्कुल कविता जी, लेकिन धन धान्य के मामले में ये समय कितना लाभ देगा इन्हें? देखिए, धन धान्य के लिहाज से यह समय काल जो है, यह कालखंड जो है, वह जो है कुछ तरीके से इनको परेशान करेगा। जो धनाकोष है वह खाली होगा, उसके साथ साथ जितना धन होगा, जितना धनार्जन होगा, उससे कहीं ज्यादा इनका खर्च होने की वजह से और व्यर्थ खर्च होने की वजह से इनका मानसिक तनाव बढ़ेगा, आर्थिक तनाव बढ़ेगा, जिससे कि इनके जीवन में परेशानियां आर्थिक दृष्टिकोण से आएंगी। कविता जी, ऐसे में शनि से जुड़े उपाय इनके लिए कितने जरूरी हैं और क्या इन्हें करना चाहिए? देखिए, एक चमत्कारी उपाय यह कर लें, बहुत जरूरी है इनके लिए। प्रातः काल में जब सूर्य लालिमा ले रहे हो, घी ले लीजिए, किसी कच्चे बर्तन में लीजिए, कच्चा मिट्टी का दिया इत्यादि आता है उसमें ले लीजिए, गर्म कर लीजिए, और गर्मियां आ जाएंगी तब तक और घी गर्म ही रहेगा, तो आप उसको ले लीजिए और ओम घृणी सूर्याय नमः आप ले लीजिए, पकड़ लीजिए और ओम घृणी सूर्याय नमः के साथ घी का अर्घ दें। आप अपने मस्तिष्क से ऊपर अपना हाथ उठा करके और घी का अर्घ दीजिए, यह आपके जीवन में शुभता लाएगी और हर प्रकार के जो अपमान है, दोष है, शत्रु है, उनसे आपको मुक्ति दिलाएगा यह चमत्कारी प्रयोग। चलिए, इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।